मुगलों की सेना से लोहा लेने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने वाले कई भारतीय राजाओं और शासकों की कहानी तो आपने सुनी होगी। आज हम आपको ऐसी एक महारानी की कहानी सुनाते हैं जिनके साहस, वीरता और पराक्रम को देखकर दुश्मन भाग खड़े होते थे। इतिहास में इस रानी को नाककटी रानी के तौर पर सम्मान हासिल है। ये वीरांगना थी उत्तराखंड के गढ़वाल की रानी कर्णावती। इतिहास में गढ़वाल की रानी का उल्लेख नाक काटने वाली महारानी के नाम से इसलिए है क्योंकि उन्होंने लुटेरी मुगल सेना को अपमानित पराजित कर बकायदा उनकी नाक तक कटवाई थी। रानी कर्णावती इतिहास में तभी से नाककटी रानी के नाम से विख्यात हो गई। रानी कर्णावती गढ़वाल के राजा महिपत शाह की पत्नी थी और पृथ्वी शाह की माँ थी। श्याम शाह की मृत्यु के बाद उनके चाचा महिपत शाह ने गढ़ राज्य की राजगद्दी संभाली। महिपत शाह एक पराक्रमी, निडर, स्वाभिमानी, खुद्दार और प्रज्ञा का ध्यान रखने वाले थे। महारानी कर्णावती भी ठीक वैसी ही थी। श्रीनगर गढ़वाल सियासत की राजधानी हुआ करती थी। महिपत शाह ने अपने शासनकाल में कभी किसी आक्रांता को इन्होंने अपने राज्य में घुसने नहीं दिया। वो न केवल मुगलों को चुनौती देते रहते थे बल्कि अपने शासनकाल में महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। इनकी सेना में वीर माधो सिंह भंडारी जैसे सेनापति थे जिन्होंने रानी कर्णावती को भी अपनी सेवाएं दी। महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग बेटे पृथ्वीपति शाह राजगद्दी पर बैठे। हालांकि तब उनकी उम्र महज 7 साल थी, इसीलिए महारानी कर्णावती ने शासन सत्ता खुद अपने हाथों में संभाल ली। लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी, शमसुद्दौला खान ने मासिर अल उमरा में गढ़वाल की महारानी कर्णावती का उल्लेख किया है। इटली की यात्री और लेखक निकोलाओ मानुची ने अपनी किताब स्टोरिया डोमोगोर यानी मुगल इंडिया में और उत्तराखंड के इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने भी गढ़वाल की इस महारानी का जिक्र किया है। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय दिल्ली में शाहजहां का शासन था। जब दिल्ली में बैठे शाहजहां को गणराज्य पर एक नारी के शासन का पता चला तो वो इसे हड़पने का मंसूबा बनाने लगे। शाहजहां ने 1635 में नजावत खां के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेज दी। 17वीं शताब्दी में इटली से भारत आए मानुची ने तत्कालीन मुगल इतिहास पर एकाधिक बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। एक जगह उसने कर्णावती और मुगलों के संघर्ष की कथा को विस्तार से बताया है। मानुची लिखते हैं कि मुगलों की तरफ से 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे, पर किसी को अंदेशा नहीं था कि वो जिस रानी के राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं वो कोई साधारण रानी नहीं बल्कि साहस और पराक्रम का प्रतीक है। दुश्मन सेना को देखते ही महारानी ने रानी दुर्गा का साक्षात रूप धर लिया। युद्ध हुआ तो गढ़वाल के सैनिकों ने मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए और जो बचे गढ़ राज्य पर हमला करने के दुस्साहस करने पर रानी कर्णावती ने उनकी नाक कटवा दी। कहा जाता है कि मुगल सेना का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। मुगल सेनापति निजावत खां इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जलालत भरी जिंदगी जीने से बेहतर आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। कहा तो यह भी जाता है कि मुगलों ने इस शर्मसार करने वाली घटना को लंबे समय तक छिपा कर रखने की कोशिश की, लेकिन भला सच कभी छुप पाया है? मुगल सेना की नाक काट दिए जाने वाली इस शर्मसार करने वाली घटना की पुष्टि मुगल दरबार के राजकीय विवरण महारल उमरा में मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल सेना रानी कर्णावती के हाथों शर्मसार और अपमानित होने वाली इस घटना को भूली नहीं थी। वो बदला लेने की ताक में थे। हालांकि इसके लिए उन्हें करीब 19 साल का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। 1655 में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए मुगलों ने खलीतुल्ला के नेतृत्व में फिर से अपनी सेना भेजी, मगर इस बार स्थिति कुछ और थी। मुगलों ने इस बार मदद के लिए सिरमौर और कुमाऊं के शासकों से भी मदद मांगी। यहाँ के शासकों की मदद से मुगल सेना ने गढ़वाल पर धावा बोल दिया और भीषण युद्ध हुआ। इसके बाद भी मुगलों ने दून घाटी को जीता और कुछ दुर्गों पर भी कब्जा जमा लिया। राजधानी श्रीनगर अविभाजित रही। पृथ्वी शाह के बड़े होने तक रानी ने राज्य को संभाला और पुत्र के बड़े होने पर 1646 उन्हें गणराज्य की गद्दी सौंप दी। पृथ्वी शाह ने अपनी माँ की शान में अनेक ताम्रपत्र बनवाए और अपने माता पिता की तरह मुगलों से लड़ता रहा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।